नमस्कार, मैं ज्ञानू कुमार दीक्षित इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ देखते रहिए सिर्फ पावर आप जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। बहुत पावन दिवस है, हमें दो महापुरुषों का एक साथ सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। एक महात्मा गांधी, दूसरे राष्ट्र के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों का उद्देश्य समान था, दोनों का ध्येय समान था, दोनों एक ध्येय लेकर के एक निष्ठ होकर के राष्ट्र की सेवा की। और आज के देश पर एक प्रकृति की व्यवस्था है, दोनों का सम्मान समान है। महात्मा के अभाव में इन्होंने अपना जीवन यापन किया और इस अभाव में भी पूरा पूरा विद्या का प्रभाव इनके अंदर था। बचपन से स्वाभिमानी, विद्यालय और घर के बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, नौका से उस पार जाना पड़ता था। रोज कभी कभी ऐसा भी अवसर आता था इनके पास नाविक को पैसे देने के लिए, किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे तो तैर करके पार कर जाते थे। नाविक ने कहा कि हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तुम आओ तैर करके मत जाओ। लेकिन इस स्वाभिमानी विद्यार्थी ने, स्वाभिमानी बालक ने कहा, नहीं, मैं रोज बिना पैसे के आपके नौका पर नहीं जाऊंगा, मैं नदी को तैर कर चला जाऊंगा। आराम से एक एक कराना। ऐसा स्वाभिमान और विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अंदर से इतनी उत्कट इच्छा, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक जीवन संस्मरण इनके जीवन का, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का, विद्यार्थी जीवन का एक संस्मरण अगर हमारे विद्यार्थी, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने, अगर हमारे विद्यार्थी उस चरित्र को अपने चरित्र में उतार ले तो आपका विद्यार्थी जीवन धन्य हो जाएगा। निकल जाओगी। एक दुर्भाग्यवश विद्यार्थी जीवन में ही लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी दिवंगत हो गए। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता